मैं सदन का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर मिला। यह तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, यह तो हम सब जानते हैं कि देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। श्रीमान, आज जो स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई है उसके बारे में दो बातें मैं यहाँ कहूँगा। वातावरण ठीक नहीं है। सर्वप्रथम विद्यार्थी और कई नए लोग इस विषय में यह कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि विद्यार्थी वर्ग सभी वर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। मान्यवर विद्यार्थी वर्ग इसी प्रकार के वातावरण का कभी कभी शिकार हो जाता है और इतना कहना चाहता है कि उसकी मांग सही नहीं है। विद्यार्थी, आपके सामने एक बड़ा आदर्श उपस्थित करते हैं। शिक्षक वर्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखता है। माता पिता एवं अन्य संबंधियों का भी असर कुछ कम नहीं होता। जैसे कि मिट्टी को एक खास तापमान पर पकाने की आवश्यकता होती है और यदि उस तापमान में या वातावरण के किसी और हिस्से में कहीं भी कुछ थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो कुमार की कुशलता में फर्क आ जाता है। सभापति महोदय, हमारा यह देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। इस देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में न सोचकर देश के हित में वह कार्य करे, क्योंकि देश हित से बढ़कर और कोई कार्य नहीं होता। यही प्रमुख कार्य है, यही लोकतंत्र का आधार भी है। इससे हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेगा, साथ ही हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। जब तक देश के समस्त नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण सजग नहीं होंगे तब तक देश प्रगति नहीं कर सकेगा। इसलिए सभी दलों को एक साथ मिलजुल कर कार्य करना होगा। इस संबंध में मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमारे संसद सदस्यों को यह जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेनी चाहिए। हमारे दोनों सदनों के सदस्यों को चाहिए कि वे गांव-गांव में जाकर सरकार द्वारा किसानों और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के विषय में पूर्ण जानकारी दें। इससे हमारा देश प्रगति करते हुए अपना पूर्ण विकास कर सकेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध तो कर रहा हूँ कि सदन में अनेक बार मैंने कहा है, देश के सामने समस्याओं को स्वीकारा है लेकिन अब तक उनका हल नहीं निकाला जा सका है।